वेलकम बैक टू अदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। तो गाइज, आज मैं जा रही हूँ बंजारा मार्केट और काफ़ी दिन बाद जा रही हूँ, तो इसके लिए ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ कि वहाँ पे कैसे कैसे कलेक्शंस आए होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम मैं गई थी तो बहुत कूल कलेक्शंस थे एंड टूर भी दी थी, लेकिन फुल टूर नहीं दे पाई थी क्योंकि रात हो गया था और मेरा वीडियो भी इनकम्प्लीट रह गया था। तो आज मैं आप लोगों को फुल टूर देने वाली हूँ एंड मैं कोशिश करूँगी अपना बेस्ट ट्राई करने का, सब कुछ कैप्चर करूँगी गाइज आप लोग के लिए। एंड ये भी चीज़ बताऊँगी कि अभी आप लोगों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए बंजारा मार्केट, सेल्स वगैरह ये सब कुछ बताऊंगी, कैसे डिस्काउंट्स मिलते हैं। क्योंकि पिछले बार मैं गई थी ना तो ऐसा था कि लोग 2500 बताते एंड देते 1500 में, तो ऐसा ये वाला ना कन्फ्यूजन में मत रहना कि हाँ 2500 बता रहे हो तो 200-300 कम करवाएंगे, ठीक है? तो इस कन्फ्यूजन में मत रहना, आप लोग बहुत ज़्यादा कम करते हैं वो लोग अगर आप लोग उनसे बार्गेन करोगे तो। बार्गेनिंग का जो परसेंट मैं बता देती हूँ आपको, वो 80% बार्गेनिंग करते हैं सरोजनी में, जैसे कि 50 या 20 या 30 ऐसे परसेंट करते हैं, अब तो 20% बार्गेनिंग करते हैं सरोजनी नगर में, बट बंजारा मार्केट में अभी 50-60% बार्गेनिंग चलता है। तो यू हैव टू बी लाइक अवेयर कि कैसे कैसे बार्गेनिंग करेंगे एंड ऑल एंड ऑल। तो आज मैं सब कुछ आपके साथ क्लियरिफाई करने वाली हूँ। तो अभी जैसे कि मैं घर का नाइट ड्रेस पहनी हूँ एंड रेडी वगैरह कुछ नहीं हुई, तो जल्दी से मैं रेडी होकर आती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। अभी के लिए स्टे ट्यून्ड। तो गाइज़, मैं अभी रेडी हो गई हूँ और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पसीना है मेरे सर पे, मतलब बहुत गर्मी लग रही थी। जब भी मैं रेडी होती हूँ और मेकअप वगैरह करती हूँ, वैसे मेकअप तो मैं ज़्यादा क्यों नहीं, बस लिपस्टिक लगाई और लाइनर लगाई और मस्कारा लगाई, क्योंकि फेस पे कुछ नहीं लगा रही हूँ बिकॉज मेरे फेस पे कुछ कुछ पिंपल्स हो गए जिसके कारण मेरे को बहुत दर्द होता है और इसलिए मैं नहीं लगाऊंगा। एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक, यू कैन सी। आज मैं न्यू न्यू क्लोथ्स पहन के जा रही हूँ बंजारा मार्केट। नो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल उड़ता है, मेरा कपड़ा बड़ा गंदा हो जाएगा, बट स्टिल मेरे को आज है ना जूडियो वगैरह भी जाना था कुछ शॉपिंग के लिए, बट देखते जाते हैं कि नहीं भी कहाँ कहाँ जाते हैं वो देखते पहले। स्मार्ट बॉय। एंड आज आपको दिखाती हूँ मेरा कोलाब्रेशन से कितना ज़्यादा सामान आया है एंड सबका भी एड वगैरह करना पड़ेगा, ब्रांड को टाइम नहीं देना पड़ेगा, लेकिन हम लोग रेडी हो चुके हैं एंड अब निकलते हैं। और इधर बन चुकी है, मैं निकल गई हूँ और थोड़ा सा आगे मेरे को पैदल चलना पड़ता है डॉगी के कारण, वरना वो भौंकने लगेगा। एंड आगे हनी है, इट वाज लाइक सो डिफिकल्ट पता है, और पता नहीं बारिश की तरह मौसम है जिसके कारण ना डर भी लग रहा है कि बारिश ना हो जाए, फिर बारिश होगा तो ये लोग कैसे व्लॉग शूट होगा। हनी पलक, मैं और हनी निकल चुकी हैं एंड देखते हैं यार बारिश ना हो जाए, क्या लगता है बारिश होगा या नहीं? नहीं होगा सर, नहीं होगा। फाइनली बंजारा मार्केट आ गए हम लोग तो पता है गुम हो गए थे, हम लोग को मिली नहीं था बंजारा मार्केट है किधर, एंड नाउ पहुंच गए हैं। चलो देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पहला मार्केट ये स्टार्ट हो मेरे को दिखा यहाँ से, क्या प्राइस है ये सब की, ये सब का क्या प्राइस है भैया? 5000। और ये छोटे वाले का क्या प्राइस है? कितना? 2000। सो गाइज, मैं भैया से लास्ट प्राइस पूछी थी वो 5000 वाले की, तो भैया लास्ट प्राइस बता रहे थे मेरे को 3800 और उससे ज़्यादा कम नहीं कर रहे थे ये वाला का, एंड जो छोटा वाला था उसका प्राइस 2000 बताए थे, बट मैं भैया से 1200 तक करवा ली थी। एंड आप लोग देख सकते हो भैया उस टाइम वीडियो शूट करने के लिए मेरे को मना कर दी, क्योंकि इसलिए क्योंकि वो मतलब जब मैं बार्गेनिंग कर रही थी उस टाइम का प्राइस मेरे को जानबूझ के बोले शूट मत करो। 100 रुपीज़ ये पकड़। चलो गाइस, मैं इस वाले शॉप की कहानी बताती हूँ। यहाँ पे 1 रुपया का एक कप दे रहे थे, तो आप लोग लास्ट बताना 30 रुपीज़ का एक कप ये लोग देंगी, और बहुत कम प्राइस में सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। बेसिकली 30 रुपीज़ to 10 रुपीज़ से स्टार्ट है एंड 1000-2000 तक एंडिंग पॉइंट। इनका क्या प्राइस है? ये वाला शीशा है क्या?
अब मैं इस वाली शॉप पे आई तो यहाँ पे बहुत अमेजिंग प्राइजेस में थे। देखो यहाँ पे 2200 का लैम्प बता रहे हैं, बट वो 1400 करेंगे। एंड जो ये राउंड वाला मिरर है इसके प्राइस 1800 बताएंगे, बट भैया 999 तो करेंगे ही, क्योंकि मैं सबका प्राइस पूछ रही थी, वो भी इरिटेट हो गए थे क्योंकि ये ऑन कैमरा में वो लोग बार्गेनिंग प्राइस नहीं बताते हैं। ये शोकेस दिया का प्राइस भैया 800 बताए थे, बट ये मैं 300 करवा ली थी। एंड यहाँ पे जो प्यारे प्यारे हैंड वॉशिस के जो बोटल्स है इसकी प्राइस 500 बता रहे थे, मैं 200 में लास्ट प्राइस बताई थी। प्राइस है 800 का। देखो गाइज यहाँ पे ये 800 बताया तो सीधे 400 में लेके जाना, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड थी वो भी ली थी। एंड इतना तो मेरे को एक्सपीरियंस हो ही गया बंजारा मार्केट में आते आते कि क्या प्राइस वैल्यू ये लोग दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे। यहाँ पे हर चीज में बारगेनिंग होता है, ये मत सोचो। यहाँ पे प्यारे प्यारे कॉम्बो में टूल्स वगैरह रखे थे, ये सबका प्राइस वो लोग 2500-3000 बताएंगे, बट सीरियसली गाइज ट्रस्ट मी ये 1500 में लोग लेके जाते हैं, मेरे सामने की बात है। लैम्प्स की प्राइस 700 से 5000 ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है, एंड छोटे छोटे लैम्प्स की प्राइस 400-500 में आप लोगों को मिलेगा। बहुत प्यारे प्यारे कलेक्शंस थे बंजारा मार्केट में इस बारी, मैं ना बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी आके। ये प्यारे प्यारे सेट ऑफ 12 ग्लासेस थे, ये डेकोरेटिव ग्लासेस, इसकी प्राइस 1500 आप लोग ले सकते हो। और ये प्यारा प्यारा सा मतलब थिंग जो था ना, मेरे को बहुत क्यूट लग रहा था, मन कर रहा ले लूँ, बट द थिंग इज लगाऊंगी कहाँ, ये कैफेज वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एंड आई जस्ट लव इट गाइस, दिस टाइम आई जस्ट लव, ऑल द कलेक्शंस आर गुड, वेरिएबल एंड प्राइस आर ऑल्सो गुड। ऑन कैमरा प्राइस अलग बताएंगे, ऑफ कैमरा प्राइस अलग बताएंगे। क्या प्राइस है मेरे? यहाँ के भैया बाहर चले गए थे तो मेरे को बाद में 10 मिनट तक रुकना पड़ा, फिर उसके बाद भैया आया तो प्राइस बताया मिरर का 2800। ओ भाई मेरे को नहीं चाहिए, मैं इधर से निकल जाऊँगी यार, मैं ये सब ऐसे टाइप के मिरर ना 1500 में पिछली बार ही लेके आई थी। एंड हॉल वीडियोज अपलोड होगी कि ये प्यारा लैम्प लग रहा, वाओ बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है यार ये वाला लैम्प, इसका प्राइस 1500 में आप लोग ले सकते। तो गाइस यहाँ पे जो मिरर का प्राइस है वो 3500 बता रहे हैं, बट आप लोग 3500 में मत लेना, 1800 में लेना गाइस, उससे कम तो मत लेना, क्योंकि मैं जब आई थी तो मैं 1800 से कम में नहीं लेके गई थी, और भी कम प्राइस हो जाता, बट पता नहीं आज क्या ये लोग भाव खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कम प्राइस नहीं कर रहे हैं। और एक चीज़ आप लोग देखो प्यारे प्यारे, यहाँ पे ये वाइट केस वाला मिरर है, फिर इट्स अब इधर मैं एक वुडन शॉप में इंटर करती हूँ, तो यहाँ पे भी कूल कलेक्शंस देखने को मिले, थोड़े से गंदे थे, साफ करने में साफ हो जाएगा। ये वाला सेट मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, एक नज़र में ही प्यार हो गया था ये सेट से। प्राइस 5000 बता रहे थे और इसमें बोल रहे थे कम भी कर देंगे, 3500 तो तक तो कर ही देंगे, मतलब अगर फोर्स करेंगे, ज़्यादा फोर्स करेंगे तो 3500 कर देंगे, लेकिन वो अपना प्राइस 4000 बताया था। ये वाला तो मेरे पास है, मैं 1200 में लेके आई थी, एंड मैं पैदल अब ज़्यादा नहीं चल पा रही थी, थोड़ा आगे गई। एंड यहाँ पे प्लेट्स वगैरह कलेक्शन थी 200 से स्टार्ट थी, एंड बहुत ही क्यूट कलेक्शन थे। और ये जैगवर देखो, ये वाला मैं ना कहीं देखी हूँ, कोई सेलिब्रिटी के मतलब होम डेकोर के बैकग्राउंड में देखी थी। प्राइस है यहाँ 500, बस 500 डिमांड कर रहे थे, लास्ट प्राइस एकदम। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, वाओ दैट्स ग्रेट। यहाँ पे ना यू नो रूम्स के साइड में रखने के लिए बहुत प्यारे प्यारे स्टफ्स थे, साइड में रूम को डेकोर करने के लिए कलर ऑप्शंस भी थे काफ़ी सारे। ये बुद्ध का जो इसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर या एक मूर्ति जो भी कहते हैं, बहुत अच्छा अच्छा था, मतलब हैवी मटेरियल में था, प्यारा सा डॉग था, क्यूट लाफिंग बुद्धा था, एंड बहुत कुछ था। और ये वास तो कुछ ज़्यादा ही फेमस है, बहुत ट्रेंडी, हर जगह ट्रेंड पे चल रहा है। एंड लोग देखो मेरा जो हाल है वो बेहाल हो गया, चल चल के पूरा कपड़ा में धूल धूल हो गया। ये ना लाफिंग बुद्धा मेरे को बहुत पसंद आया था, बहुत क्यूट लग रहा था, वाओ बेबी लाफिंग बुद्धा यू नो। और यहाँ पे एक और वुडन स्टोर में मैं घुसी और फिर से एक प्यारा सा सेल्फी लेना स्टार्ट किया, भैया सेल्फी ले ले ए ए ए। बस मैं बहुत बकवास लग रही थी क्योंकि गर्मी से मेरा हालत ख़राब हो गया था। यहाँ गाइज एक प्यारा सा सेट देखने को मिलता है जिसका प्राइस भैया बता रहे थे 6000। प्यारा सा बच्चा भी सो रहा है अब। ये सब 2500 का है गाइज, मत लेना 2500 का। जिनका भी प्लानिंग है कैफ़े वगैरह खोलने का तो वो यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे मटेरियल्स है, यू नो लाइक यहाँ पे देखो ये सब
कुछ कुछ डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ पे एक लैम्प कॉम्बो भी मिल रहा था 2500 का, बहुत अच्छा ऑफर है, आप लोग ग्रैब कर सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंग प्राइस बहुत हाई था, कम नहीं कर रहा थे। इधर से जो आगे का शॉप है ना, यहाँ पे प्राइस कम ही नहीं कर रहे थे, कितना भी कर लो यार। लेकिन आप लोग जिद पे मत छोड़ना, करते रहना करते रहना करते रहना, फोर्स और बार्गेन करते रहना। यहाँ प्यारे प्यारे लाइट कैंडल्स थे फॉर लाइक कैफेज वगैरह, और यहाँ पे प्यारे प्यारे पुराने वॉचेस थे, मत लेना यार प्लीज़। और ये डेकोरेटिव था, होम डेकोरेटिव का कुछ पार्ट था जो इसको बारे में नॉलेज नहीं था, तो मैं नहीं बता सकती ये क्या, आई डोंट नो। बट लुकिंग गुड, देखने में तो अच्छा लग रहा था। स्टार वगैरह या प्यारे प्यारे लाइक यू नो मूर्तियाँ थे, भगवान का, भोले जी का, गणेश जी का, लाफिंग बुद्धा का, एंड बहुत सारा था। प्राइस रेंज जो है वो 30 रुपीज़ से 1,000-1,500 तक चला जाएगा, इसके ऊपर भी जा सकता है। एंड यहाँ पे इस शॉप पे मैं आई थी, मेरे को बहुत प्यारे प्यारे कलेक्शन लगे। आप लोग प्लीज़ विजिट करना इस वाले शॉप पे, ये शॉप नंबर 103 है, प्लीज़ विजिट करना गाइस। बहुत प्यारी गर्ल थी, मतलब मेरे को मतलब प्यार हो गया था यार, बहुत प्यार से, मतलब मेरे को सामान दिखा रही थी खोल खोल के। मैट्स की प्राइस मेरे लिए बहुत कम कर रही थी, मतलब प्राइस वगैरह बहुत ज़्यादा ही कम कर रही थी, मतलब मेरे बोले से पहले वो इतना कम कर रही थी, मेरे को बोलने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता था। यहाँ पे 300-200 के प्यारे प्यारे शीट्स कुशन्स वगैरह मिल रहे थे। एंड ये देखो वहाँ से भी अच्छा ये वाला था, 3 सेट था जिसका प्राइस वो 2000 बता रही थी। होम डेकोरेशन का सामान यहाँ पे आपको भर भर के मिल रहा है गाइस, आ जाओ लूट लो, बट प्राइस सही लेना। यहाँ पे भी सेम लैम्प्स है डेकोरेटिव फ्लावर्स के लिए, यानी दिवाली आ रहा है तो उसके लिए आप लोग ले सकते हो। दिया वाला जो था गोल सा एकदम बना हुआ, और एक उडेन वाला लाइक यू नो, ये वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, बट ये सेल आउट हो गया था। इसका प्राइस 8000 था, और इसकी जो लकड़ी की जो क्वालिटी थी बहुत अच्छी थी। भैया दोबारा बनवा भी सकते हैं बोल रहे थे वो, अगर आपको दोबारा ऐसा बनवाना तो बना भी सकते हैं, और प्राइस की टेंशन नहीं लेने का, प्राइस सब कुछ सही बता रहे थे। ये शॉप नंबर 128, और ये हमें मेरे को और हनी को इतना ज़्यादा पसंद आ गया था ये टेबल चेयर सेट, जिसको हम लोग प्लान कर रहे थे नेक्स्ट टाइम लेने का, इस बार ही नहीं, क्योंकि इस बार ही तो बस मैं व्लॉग शूट करने आई थी, और इसको ले जाने के लिए मेरे को बहुत पापड़ मिलने पड़ते हैं। शॉप नंबर 15 है, एंड यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे वुडन की कलेक्शन है, छोटी छोटी मतलब क्यूट केसेस थे, और इसकी जो वुडन क्वालिटी बहुत अच्छी है। और हम लोग देखो पुराने पुराने ज़माना का यू नो कुछ चद्दर पत्थर मतलब ऐसा कुछ है। ये यहाँ पे राउंड मिरर जो है वो 800-1500 ऐसे मिलेगा, छोटे छोटे चेयर्स यहाँ पे ना, ये कैफेज़ वगैरह में आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल यू नो थिंग्स वगैरह, थोड़ा वाइब वैसे ही दे रहा है, इधर घुसने के बाद मेरे को वैसे ही वाइब आ रहा था, तो सो मैं बता रही हूँ। प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा हाई रहेगा यहाँ पे, प्राइस रेंज अच्छा हो है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस रेंज है, तो प्राइस बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, कम करने का भी कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पर देखो, और यहाँ पे एक प्यारा सा ड्रीम कैचर मेरे को दिखाई पड़ा, जिसका प्राइस दूर से ही भैया चिल्ला के बोल दिए थे 1500, भाई नहीं लेना है। और ये वाला केस 800 रुपीज़ का, जो हंस दिया वो फंस दिया। तो ये वाला टेबल 7000 का बताए हैं, और ये वाला टेबल बताए हैं कितने का हनी बताया, ये वाला टेबल 5500 में हनी बैठ के आराम से डिनर करेंगे। तुम क्या चाहती हो? अब यहाँ पे मिरर सेक्शन में चलता, तो यहाँ पे मिरर लैंप्स वगैरह मिल रहे थे, बहुत क्यूट मिरर बल्ब लैम्प था, और इसका प्राइस 800-1500-2000 अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से था। ये वाले तो कैफेज वगैरह में आप लोगों ने देखा ही रखता है, वो लोग भी यहीं से शॉपिंग करके ले जाते हैं, और इधर तो सारा पैक्ड था, तो वही ऐसे ही बैठ के हम लोग खाएंगे। नेक्स्ट टाइम ये लेके जाएंगे है नानी, क्योंकि इस टाइम तुम लोग नहीं लेके जाएंगे, कुछ है नहीं हमारे पास, फिर ऑटो वगैरह बुक करना पड़ेगा, और बहुत काम भी है घर जाके, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग लेके आएंगे। ओके गाइस, मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे अलग ही सिस्टम है, देख रही हूँ मैं कि जो स्टार्टिंग का मार्केट था जो वहाँ पे प्राइस रेंज बता रहे थे, ये अभी का जो कि जो अंदर थोड़ा आने का बात का जो प्राइस रेंज बता रहे हैं, बहुत अच्छे प्राइस रेंज बता रहे हैं, बहुत कम प्राइस रेंज बता रहे हैं। ये जो स्टार्टिंग में जो मिरर का प्राइस बता रहे थे वो 5000 बता रहे थे, और जो अंदर आने का बता रहे थे वो 3000, और नेगोशिएबल भी था 1500-1800 कर लेते हैं आराम से। कोशिश करना गाइस स्टार्टिंग में मार्केट से शॉपिंग मत करना,
जैसे ही अंदर अंदर जाओगे, यहाँ इंड में मैं आ गई हूँ, आप लोग देख सकते हो, यहाँ से शॉपिंग करना अंदर जाके थोड़ा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है स्टार्टिंग में वहाँ से शॉप करना, बहुत ज़्यादा प्राइस बताते हैं। इतना सीख तो आप लोग को भी मिलनी चाहिए मेरी तरफ से। और मेरा हनी का जो प्लान है, नेक्स्ट टाइम हम लोग ये वाला सेट लेके जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्यूट सेट लग रहा था। और इस बार मैं वॉइस ओवर करी क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा था भोजपुरी, मैं ध्यान नहीं दी, बट मेरे को वॉइस ओवर अभी करना पड़ रहा है, सॉरी गाइस। जब हम लोग जा रहे हैं घर, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड जो भी न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। मिलते हैं अनदर व्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय।